अगर सपने देखे हैं और सच्चे हैं तो पूरे होंगे। कोविड के बीच में जब मैंने अपनी फैमिली को कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं करियर चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि इस जॉब में मैं खुश नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा तू पागल हो गया। तो इन्होंने मेरे को बताया कि कुछ गड़बड़ है मेरे काम में। क्या गड़बड़ है? प्रेशर कभी कम नहीं होगा। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट प्रेशर, दैट्स इंपॉर्टेंट। द ह्यूमन लाइफ इज अ ब्यूटिफुल थिंग दैट हैज बीन गिफ्टेड टू अस। We all know great things, right? हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी capabilities हैं। किसी ने Apple का नाम सुना है? सबने सुना है। कहाँ Steve Jobs ने वो कंपनी शुरू करी? क्या सोच के शुरू करी? तब Bill Gates Microsoft चला रहे थे, क्या जरूरत थी Apple की दुनिया को? But what he knew was that he wants to bring design to technology. He wants to create something so beautiful कि लोग उसको भूल ही ना पाएं। जब उन्होंने अपने इंजीनियर्स को कहा था कि तुम आईफोन बनाओ, तो उन्होंने यही कहा था एक अच्छा सा फोन बनाओ या एक ऐसा फोन बनाओ जो दुनिया याद रखे जिसको। उन्होंने कहा एक ऐसा फोन बनाओ कि people fall in love with that phone, कि लोग घर से निकलने से पहले भूल ना सके कि वो उनका फोन घर रह गया है। आजकल वॉलेट भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फोन हाथ में तो पता है पेटीएम भी चल जाएगा, कुछ भी चल जाएगा और हम कर लेंगे काम। सो दैट्स द अमेजिंग थिंग अबाउट द ह्यूमन स्पिरिट। कोविड आया, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल, जूम, पता नहीं क्या क्या हो गया। उससे पहले वर्ल्ड वॉर्स हुए, आजादी की लड़ाई लड़ी। हर बार लगता है कि अब बस कर दो यार, अब इसके बाद ह्यूमन स्पिरिट कहाँ तक जाएगी या हम क्या अचीव कर पाएंगे। लेकिन हम हर बार और थोड़ा आगे चले जाते हैं, हम हर बार अपने आप को सरप्राइज कर देते हैं, राइट। सो मेरा होप एंड मोटिव ये है कि आप लोग आज यहाँ से एक इतनी सी इंस्पिरेशन लेके जाओ कि आप भी कुछ चेंज कर सकते हैं। खुद को डिफाइन करने के लिए सबके मन में कोई ना कोई वर्ड होता है, तो अगर मैं इस रूम से पूछूं कि अपने लिए एक जना उठ के एक वर्ड बताए कि तुम अपने आप को उस एक वर्ड से क्यों डिफाइन करते हो, तो क्या वर्ड होगा? You handled it patiently. लवली, आपका नाम? रितिका। Very good. Optimistic. Optimistic आपका नाम? ना। तारे कैसे optimistic होते हो लाइफ के लिए? Because I used to find things much positive way as positive as possible. ठीक है, thank you दादा। 16 साल पहले मैं भी एक ऐसे आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में था, फिजियोथेरेपी पढ़ रहा था, और वहां से मैं यहाँ कैसे पहुंचा उस जर्नी को डिफाइन करें। और उस जर्नी के थ्रू मैं आपको 5 पार्ट का एक फ्रेमवर्क दूंगा कि अगर आप वो चीजें आप अपने ऊपर अप्लाई कर सके, चाहे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, चाहे अपने करियर को चेंज करने के लिए, चाहे अपने बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, अगर आप वो कर सकते हो और करने की कोशिश कर सकते हो, तो ये फ्रेमवर्क आज आपको हेल्प करेगा। सो व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? किस चीज से आपको डर लगता है? मेरे को डर लगता है, मतलब जो मेरे ड्रीम्स हैं तो मुझे किसी न कैसे फुलफिल करने हैं, तो मुझे उन ऑब्स्टेकल्स से डर लगता है कि वो कहीं छूट ना जाए। मतलब काइंड ऑफ कुछ फैमिली का सपोर्ट और कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए कि वो ड्रीम्स मेरे पूरे ना हो, राइट। तो मुझे उस चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है। ब्यूटीफुल, थैंक यू। आपका नाम? डिंपल। सो डिंपल कह रही है, निकेश की बात करेंगे कि जो मेरे सपने हैं अगर वो सपने पूरे नहीं होंगे तो मुझे उस चीज से डर लगता है। कभी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिले, एनवायरनमेंट ठीक ना हो, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। सो डिंपल, पहली चीज, अगर सपने देखे हैं और सच्चे हैं तो पूरे होंगे। The point is कि जो आपके सामने ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो आपके ड्रीम की फोर्स से बड़े हैं या वो ऑब्स्टेकल बड़ा है? दोनों में से कौन बड़ा है, आपकी फोर्स या वो ऑब्स्टेकल? ये समझना बहुत जरूरी है। हर सिचुएशन को तुम रीफ्रेम कर सकते हो टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट, टू ग्रो फ्रॉम इट, राइट। एक सेइंग है, डोंट गो थ्रू लाइफ, ग्रो थ्रू लाइफ। जब फिजियोथेरेपिस्ट था तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन वही फीलिंग आ रही थी कि कुछ गड़बड़ है, तो कुछ और करने की एक इच्छा जागी। सो उसके लिए मैं 5 स्टेप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपके हर लाइफ के चैलेंज में आपके काम आएंगे। पहला स्टेप है कि लाइफ में किसी भी चीज की अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। अगर गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर ये पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है। That awareness is very very important. लाइफ का ये पहला स्टेप बनेगा, जो मेरे को उस टाइम रियलाइज हुआ जब 2012 में मैं फिजियोथेरेपिस्ट था कि कुछ कमी है। आई हैव एन अवेयरनेस कि कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है बट मेरे को पता नहीं है कि क्या कमी है. दैट्स व्हेन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि अब मेरे को करना क्या है. और उस टाइम में मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, नेटवर्क करना शुरू किया, लिंक्डइन के थ्रू, ऑनलाइन, मेरे दोस्तों के साथ, कि मैं करियर चेंज करना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट कोई ऐसा इंसान है जो मेरे पे बैट ले सकता है. ना MBA मेरे पास, ना बिजनेस की कोई डिग्री है, कॉर्पोरेट जॉब मिलनी मुश्किल है, फिजियोथेरेपी में जॉब नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे को करियर शिफ्ट करना था. तो वो अवेयरनेस थी कि कुछ गड़बड़ है और उसको शिफ्ट करना है, कैसे कुछ नहीं पता था. बट जब आप लोगों से मिलते हो, नेटवर्क करते हो, बात करते हो, तो फिर धीरे धीरे क्लैरिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है. तो ऐसे ही बात करते हुए मैं मिला एक प्रोफेसर से कोलंबिया बिजनेस स्कूल के, जो न्यूयॉर्क में रहते थे. वहां पर उनकी एक ऑफिस था और वो गुड़गांव में ऑफिस खोलना चाहते थे. मैंने कहा मैं आपके लिए वो ऑफिस खोल दूंगा, आप मेरे को मौका दो. उन्होंने कहा उत्कर्ष तुम्हारे पास कोई डिग्री भी नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट हो, क्या करोगे? मैंने कहा विल फिगर इट आउट, आप 3 महीने का टाइम दे दो, हम इसको समझेंगे, इसको करेंगे, कैसे करना है. तो वो जो अवेयरनेस थी वो बिकेम वेरी क्रिटिकल टू टेक दैट स्टेप. और अवेयरनेस अगर आपके अंदर होगी तो आप कुछ भी बदल सकते हो. अगर आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या अचीव करना चाहते हो, वो समझ अगर है, वो क्लैरिटी अगर आ गई है, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट अवेयरनेस. उस अवेयरनेस के बाद जो अगला स्टेप है वो थोड़ा आसान हो जाएगा. तो जब नेटवर्क करके मैं उनके ऑफिस पहुंच गया तो मेरे को पता था यहाँ तो बहुत मुश्किल होने वाला है. उन्होंने कहा कि उत्कर्ष पहले मार्केटिंग से शुरू करो, कि मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. मार्केटिंग तो आती नहीं थी, जो अपने क्लिनिक के लिए करी थी बस उतनी आती थी. तो इनिशियली थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन ये पता चल गया कि मेरे में कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं. अब क्वेश्चन ये था कि मैं फिजियोथेरेपी को यहाँ नहीं कर सकता था, लेकिन मैं फिजियोथेरेपी से क्या सीख सकता था जो मैं यहाँ कर सकता था, राइट? सो अवेयरनेस, फिर आया एक्सेप्टेंस. जब वो एक्सेप्टेंस आई तो मैंने ये समझा कि मुझे जो अपने स्किल्स हैं उनको करियर से बाहर निकालना है. कि यहाँ पर आप सब बैठे हो, आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं जो आपके BBA या BCA करने से नहीं डेवलप हुए, वो आपके अंदर ऑलरेडी हैं. कोई इंसान लोगों से बात अच्छे से कर सकता है, कोई इंसान सेलिंग में बहुत अच्छा है, कोई इंसान क्रिएटिव बहुत है और उसको कलर्स और पेंट्स और ये सब बहुत समझ आता है, किसी के अंदर स्पीकिंग कैपेबिलिटीज बहुत हाई है. तो आपको अपने आप को अपने सिर्फ एक करियर से, सिर्फ डिग्री से डिसोसिएट करके ये समझना है कि आप किस चीज में अच्छे हो, राइट? जब वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी तब आपको उस स्किल पे पूरा फोकस करना है कि अब इस स्किल को मैं कैसे यूज करूं या कैसे यूज कर सकती हूं कि इससे मैं आगे बढ़ सकूं लाइफ में. एंड उस स्किल को आइडेंटिफाई करना आपका नेक्स्ट स्टेप है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. जब आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आ जाती है तो आप दुनिया की किसी भी ब्यूटीफुल चीज को कन्वर्ट कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, राइट? और ये करना बहुत जरूरी है. मेरे पास उस टाइम एक्सेप्टेंस आ गई कि मेरे को मार्केटिंग वगैरह मेरे से नहीं होगी, लेकिन मेरे को कैमरा उठाना आता है, मैंने फोटो खींचता था, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग थी. तो मैंने उनको कहा कि आप इस कंपनी में डिजिटल कंटेंट बनाना चाहते हो, मैं वीडियोग्राफर और एडिटर बन सकता हूँ आपके लिए. और दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई स्टार्टेड टू डू, कि अब टाइम आ गया है एक्ट करने का, कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता चल गई है, मुझे उस स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करके उसमें आगे बढ़ना है. मेरी फिजियोथेरेपी से वो बहुत दूर था, बट दैट वाज ओके. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके स्किल्स सेम फील्ड में लाई करें, कभी वो चेंज भी हो सकते हैं. आप एक इवॉल्विंग बीइंग हो जो हर कुछ दिन में बदल रहा है, चेंज हो रहा है. सो हाउ कैन यू नाउ आइडेंटिफाई दैट एंड स्टार्ट टू एक्ट अपॉन दोज थिंग्स. सो दैट बिकम्स द नेक्स्ट लेवल, कि एक बार उस चीज को समझ लिया है, समझ गए हो कि कहाँ पे फोकस करना है, यू स्टार्ट टू एक्ट इन दैट डायरेक्शन. जब भी कोई स्टार्टअप फाउंडर कुछ भी करने की कोशिश करता है तो वो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं. वो आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, और फिर वो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि अगर मेरे ड्रीम्स हैं जिनको मेरे को फुलफिल करना है तो क्या बेस्ट स्टेप है जो मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, क्या स्टेप है जिसके ऊपर चल के बार बार उस पर ऑपरेट करके मैं उस स्टेज को अचीव कर सकता हूँ. हर चीज पॉसिबल है आप लोगों के लिए. आप एक ऐसे टाइम में जी रहे हो जहां अगर कोई आपको कहे ना कि ये तेरे बस का नहीं है, ये नहीं हो सकता, उसको बोलो मैं देख लूंगा, तू रहने दे, क्योंकि आप वो अचीव कर सकते हो. लेकिन फिर ये नहीं होना चाहिए कि आपने तब तो बोल दिया जोश में, फिर घर जाके कोई मेहनत नहीं करनी उस चीज को अचीव करने के लिए. विदाउट हार्ड वर्क एंड विदाउट स्मार्ट वर्क नथिंग विल बी पॉसिबल. पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं करना क्या चाहती हूँ, देन आपको एक एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, एंड देन आपको एक्ट करना शुरू करना है। जब आपको समझ आ गया कि ये काम करने से मेरे को मेहनत से तरक्की मिलेगी, या मैं नेटवर्क करता हूँ तो उससे हेल्प मिलेगी, या मैं पढ़ाई ठीक से करूँ तो नंबर ठीक से आएंगे, व्हाटएवर दैट माइट बी फॉर यू, जो आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? किसी भी आर्ट फॉर्म को एक्सेल करने के लिए प्रैक्टिस करना इज वेरी क्रिटिकल, एंड प्रैक्टिस के बिना कुछ अचीव नहीं होता, एंड दैट इज द फोर्थ स्टेप है कि आपको ये पता चल गया कि आपको करना क्या है, अब उसका क्या करें। उसको बार बार करो, उसको बार बार करो। वो जो एक्सेलरेट लिखा है ऊपर, वो जर्नी तब पूरी होती है जब आप कोई भी काम बार बार करते हो, कोई भी काम बार बार सीखते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, गलती करोगे सीखोगे, गलती करोगे फिर सीखोगे, बट अल्टीमेटली उस चीज पे एक्सेल कर जाओगे, राइट? कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया कि कोई चीज पहली बार करने में मुश्किल होती है और जब 100वीं बार करते हो तो आसान हो जाती है? कोई एग्जाम्पल? राइट राइट एंड नाउ यू आर कंफर्टेबल। एक्सीलेंट, थैंक यू। हम सबके पास स्किल्स हैं जो अगर हम उनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो हम अचीव कर सकते हैं, उनमें हम एक्सेल कर सकते हैं। द ह्यूमन लाइफ इज अ ब्यूटिफुल थिंग दैट हैज बीन गिफ्टेड टू अस। जिस तरीके से हमारा दिमाग चलता है, जिस तरीके से हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, इट इज सच अ पावरफुल थिंग फॉर अस टू अचीव अमेजिंग थिंग्स इन लाइफ, एंड इफ यू डोंट डू इट देन वी डूइंग एन अंडर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। कि यहाँ तक पहुँच गए हैं, इतने रिसोर्सेज थे कि एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी हम कुछ अचीव ना करें तो अपने आप की डिससर्विस है, राइट? सो जो फाइनल स्टेप है, जब आप में अवेयरनेस होती है, समझ होती है चीज़ों की, आप उसके लिए एक्सेप्टिंग हो जाते हैं, आप उस पर एक्ट करते हैं, उसको एस्पिरेट करते हैं, दैट्स व्हेन यू अचीव द हाइस्ट लेवल। उसके बाद सक्सेस आपका होता है, और ये हर फील्ड में ट्रू होगा। चाहे आप अपने गुस्से को या एंजाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, चाहे आप एक बिजनेस बनाने की कोशिश करें, चाहे आप अपनी पढ़ाई की बात करें, चाहे आप कुछ सीखने की बात करें, चाहे आप करियर चेंज की बात करें, हर चीज़ में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब मैंने वहाँ उस इंस्टीट्यूट में 2013 में कैमरा उठाया था पहली बार, तो जो फर्स्ट डे में फिल्म करने गया था, उस दिन मेरे को समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली कैमरे का क्या करूँ। तो सामने जो प्रोफेसर खड़े थे उन्होंने फीडबैक दे दिया, उत्कर्ष तुमसे ना हो पाएगा, इसको छोड़ो और निकल जाओ, वापस जाओ, अपनी फिजियोथेरेपी करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अब उनका वो फीडबैक सुन के याद में कह सकता था कि आपकी ऐसी की तैसी, मेरे को मना कर रहे हो, राइट? एंड मैं हार मान लेता या तो, या गुस्सा हो जाता, या कहता ये नौकरी मेरे को करनी नहीं, कि ये तो बेकार आदमी है, ये जगह ही बेकार है, ये मेरे लिए बनी ही नहीं है। या फिर मैं रिएक्ट कर सकता था कि चलो इन्होंने मेरे को बताया कि कुछ गड़बड़ है मेरे काम में, क्या गड़बड़ है, कैसे उसको मैं ठीक करूँ? सो जब आपको फीडबैक मिलता है लाइफ में तो आप उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हो कि अब तो तू पिटेगा मेरे हाथों, या तेरे को क्या पता है, तू कौन होता है मेरे को बताने वाला, या आप ये सोचते हो कि अब मेरे को इम्प्रूव होने का मौका मिला है। हर चीज़ में रिएक्शन तो आपके कंट्रोल में है ना। मेरी जगह आप रिएक्ट नहीं कर सकते, आपकी जगह मैं रिएक्ट नहीं कर सकता। तो आपकी सोच कहाँ तक है, आपका माइंडसेट क्या लेके जाता है आपको, ये आपको खुद ही उसको डिवेलप करना है। Whatever comes to your mind which you feel is a challenge for you, I'm happy to speak to you about it, I'm happy to answer that. So open to you. Sir, मेरा आपसे ये question है कि सर जब आप physiotherapist बन चुके थे, उसके बाद आपको realize हुआ ना आपके लिए ये appropriate आपको change करना है, Correct. आप independent हो चुके थे, Correct. But अभी हम जिस stage पे हैं हमारे पास काफी सारी responsibilities हैं, Correct. तो हमें भी independent बनना पड़ेगा। Lovely. ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आपका नाम? कृति। सो कृति इज आस्किंग कि जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट था तो मैं इंडिपेंडेंट हो चुका था, तो इंडिपेंडेंट होने के बाद करियर चेंज करना बहुत आसान हो जाता है, या इंडिपेंडेंट होने के बाद कुछ भी चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। सो कृति, चैलेंजेस तब भी थे, राइट? एंड आई विल टेल यू हाउ। सो आई गॉट मैरिड एट अ यंग एज, एंड व्हेन आई थॉट कि मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट नहीं रहना है, आई हैड अ सन। Now when you are an earning member of the family, then you will feel कि अब अगर करियर चेंज किया तो गड़बड़। कल अगर स्कूल के बच्चों की फीस देनी है तो ये थोड़ी बोलूँगा मैं करियर चेंज कर रहा था, अभी फीस मत लो मेरे से, ये तो आंसर रेलिवेंट नहीं होगा ना। सो दिस सिचुएशन वाज स्टिल वेरी हार्ड। when I decided in 2013 to switch my career, 2012 में my father was a physician and my wife was also a therapist. So हमने 2 फ्लोर का पूरा हॉस्पिटल बनाया था 2012 में. और अगर मैं उस टाइम उसको छोड़ रहा था, so my grandfather said to me, तू हमारा घर बर्बाद कर रहा है. So that is the level of pressure that was still there. Pressure कभी कम नहीं होगा, right? How do you respond to that pressure? That's important. So अगर मैं उस टाइम suppose करो 10 लाख रुपए कमा रहा था, मेरे को पता था कि अगर मैं इसमें से 50% कट ले लूँगा तो लाइफ नहीं चलेगी, right? Problem हो जाएगी. So उस problem को resolve करने के लिए whenever I was trying to find an opportunity, whenever I was trying to talk to anyone, तो मेरा रिक्वेस्ट ये थी कि मेरे को मिनिमम इतनी सैलरी चाहिए कहीं भी, राइट? सो हाउ डू यू फाइंड डिफरेंट पाथ्स दैट विल हेल्प यू रीच द डेस्टिनेशन दैट यू वांट टू रीच, दैट्स द कैलकुलेशन यू हैव टू डू. एंड कभी भी इस चीज को ना किसी और पे मत डालना, कभी भी सिचुएशन को ये मत बोलो कि कोई और देख लेगा या मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते मैं क्या अचीव कर सकती हूँ ये समझना है. और अपॉर्चुनिटी ऐसी मत ढूंढो जो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे कि सारा सिस्टम डिसरप्ट हो जाए, राइट? अगर मैं वो नौकरी छोड़ देता तो उसके बाद बहुत दिक्कत होती, राइट? एंड नहीं बन पाती बात. सो दैट वाज वन. द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू शेयर इज कि जब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में 8 साल काम कर रहा था तो 2020 में जब कोविड आया तब मैंने फिर सोचा कि अब फिर एक और करियर चेंज करने का टाइम हो गया. कोविड के बीच में जब मैंने अपनी फैमिली को कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं करियर चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि इस जॉब में मैं खुश नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा तू पागल हो गया फिर से, क्योंकि कोविड के बीच में जहाँ लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं तो ये कह रहे हैं तो अपनी एक स्टेबल नौकरी छोड़ के जहाँ 25 से 30 लाख रुपए साल के मिल रहे हैं वो छोड़ के तू एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है फिर से, कि उसमें कोई सैलरी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता. ये जो फाउंडर और एंटरप्रेन्योरशिप के ड्रीम्स होते हैं ना, ये शुरू में बहुत मुश्किल होते हैं, एक स्टेज के बाद ये शायद आसान हो जाए बट शुरू में बहुत मुश्किल होते हैं. बट तब भी मैंने फिर छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए कि इस काम के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ जिससे मैं इतने पैसे कमा सकूँ कि मैं ये नौकरी छोड़ सकूँ. एंड डिसम्बर 2020 में मैंने अपनी जॉब क्विट करी एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड इग्नाइटेड न्यूरॉन्स. एंड इनिशियली इट वाज अ टफ फेज बट इट टेक्स टाइम. And how you respond to situations, that's the important thing. Good question, thank you, Priti. Anyone else? Ultimately, आप अपनी लाइफ से क्या सीख कर रहे हो, that is important. जब मैं उस जॉब में था तो 4 साल वीडियोग्राफी करने के बाद मैंने वहाँ पर भी करियर इंटरनली स्विच किया कि मैंने उनकी सेल्स में, उनके ऑपरेशंस में हेल्प करनी शुरू कर दी. क्योंकि जब मैं वहाँ पर टीम को हायर कर रहा था, जब पहला एम्प्लॉय था, तो वो चीज़ मेरे को समझ आ रही थी. You can evolve and grow your career and skills anytime and no one can stop you. We have a small channel on YouTube that we are trying to grow and we want to inspire youngsters like you and hopefully आप लोग feedback भी देंगे channel में, comments में या कहीं भी, because we really want to learn from you because आप लोग future हो इस देश का और इस world का. No one's going to stop you from going anywhere in the world and doing beautiful things. So make sure you do your best. Thank you. Thank you so much.